हमें हमारा जीते चाहिए तारा जी। तू फिक्र ना कर, मैं चीते नु वापस लेके आऊंगा। अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। इस डिजीज के मरीज बिल्ली की तरह रहेंगे। पुदीने की चटनी नहीं है, इतना कुछ तो बना है। काटना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं। जो तूने नहीं देखा वो मैं देख चुका हूँ। ये तो अब खत्म होने के बाद ही रुकेगा। यहीं रुक दो ना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 44 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म जेलर की। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म जेलर फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर डे 44 कलेक्शंस को पूरे कर चुकी है और फिल्म ऐतिहासिक डे 50 कलेक्शंस को पूरे करने वाली है। फिल्म जेलर के आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 44 की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 44 तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 660.02 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 274 करोड़ ग्रॉस, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 83.57 करोड़ ग्रॉस, केरला से 56 करोड़ ग्रॉस, तो वही फिल्म का कर्नाटक से 73 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म जेलर कर्नाटक में तमिल की पहली फिल्म है जिसने 70 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई की है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म जेलर फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कंटिन्यू है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म को 7 सितंबर 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर स्ट्रीम किया जा चुका है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर जाकर के फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सनी देओल एंड अमीषा पटेल स्टार फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 43 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म गदर 2 की। तो फिल्म गदर 2 के आज देखते देखते बॉक्स ऑफिस पर डे 43 कलेक्शन पूरे हो चुके हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 43 की बात करें तो फिल्म गदर 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 43 के अंदर 30 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म गदर 2 का फ्रॉम डे 43 तक आते आते टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 522.25 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 686 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। फिल्म गदर 2 के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग सनी देओल के सैलरीज को मिलाकर। दोस्तों फिल्म गदर 2 आपने अभी तक देखी या ना देखी, अगर आपने इस फिल्म को अभी तक मिस किया है तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार एंड पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म OMG 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 43 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी एंड यामी गौतम स्टार फिल्म OMG 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 43 की। तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 43 तक आते आते टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 151.20 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 230.25 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। दोस्तों फिल्म OMG 2 के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म OMG 2 एक सेक्स एजुकेशन पर बनी फिल्म है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आयुष्मान खुराना एंड अनन्या पांडे स्टार फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की। तो देखते देखते फिल्म ड्रीम गर्ल 2 बॉक्स ऑफिस पर अपने एक मंथ को पूरे करने वाली है। फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 29 कलेक्शन पूरे हो चुके हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29 की बात करें तो फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29 के अंदर 28 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का फ्रॉम डे 29 तक आते आते टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 104.92 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 135 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को ओवरऑल 65 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। और दोस्तों फिल्म अपने बजट के मुकाबले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर ऑल टाइम जबरदस्त हिट रही है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो कहा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।